ये छोटे बच्चों के साइकिल से 700 रुपये भैया बता रहे हैं, लेकिन बाइगनिंग कितने का भैया? ओ भैया 3200 रुपये का सैमसंग का लैपटॉप, 700 का टैप है अमेजोन का, 500 रुपये का LCD से बिक रहे हैं 1000 रुपये में। चालू करके दिखाएगा शूज़ का दुकान, और ये देख रहा हूँ 700 रुपये का सिर्फ, ये 100 वाला। इनका नाम बता रहे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि चोर बाजार के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चोर बाजार जाना चाहते हो तो। अभी 1,00,000 रुपये जा रहे हैं महीने के, काय के वजह से मालूम क्या? यूट्यूबर जो है ना, हाँ, तो वीडियो बनाने वाले हैं तुम्हारे जैसे। हाँ। डेल का मॉनिटर कितने का है? 800 रुपये। वो भी चेक नहीं करके मिलेगा भैया, पहली बार आ गए, सही पकड़े हैं, पहली बार आया हो, चालू रेट है, कोई चेक नहीं करते। देखो डेल का मॉनिटर है 400 रुपये का, लेकिन चेक करके नहीं मिलेगा। और ये है मदरबोर्ड, यहाँ पर बड़े बड़े मदरबोर्ड, इसका मदरबोर्ड है पता नहीं है, कंपनी का मालिक रहता है। LCD कितने की है? हाँ कितना? चालू करके कुछ ₹500 का LCD HP LG HP 700 का टैप है अमेजोन का, टच काम कर रहा क्या? नहीं नहीं नहीं, टच टूटा रहता पता है, लेकिन काम करते ना कभी कभी। तो ये 700 रुपये का टैबलेट है, आपको डालना पड़ेगा, मतलब टच डालना पड़ेगा। लो और ये आदम आदम जमाने का कैमरा, देख रहे हो आदम जमाने का कैमरा। बैटे कितने के भैया? पूरा पैकेट 20 रुपये। और ये वाले 20 में दे दो ना, कितने बिक रहे हैं? 1000 रुपये में। चालू करके दिखाया क्या? चालू किया ना यार, कहा चालू करके दिखाया उन लोगों ने? चालू किया मतलब समझा नहीं, चालू करके देखा कि चालू करने देखने गया था, उसमें वो पट्टे आ रहे तो वापस कर रहा है, नहीं देखता है क्या है तो। हाँ हाँ, तो ये है बाइक्स के मतलब पार्ट्स है, पूरे पार्ट्स निकाल के रखे हैं। और एक्चुअली बाइक्स के पार्ट्स में देख रहा था तो हर वो पार्ट्स है, जैसे इंजन से लेकर हर वो चीज़ आपको मिल जाएंगे। जैसे ये बार हैंडल, जो हैंडल है वह हैंडल कितने का है? 100 रुपये। तो भैया ये सामान, ये बॉक्स कितने का है भैया? ये भैया वो 350 रुपये। 350। अच्छा दुकान किसकी है? 350। कितने तक दे दोगे? 200। 250 में दे दोगे? 200 नहीं, 200। अच्छा अच्छा, अगर मेरे वीडियो देख के आए तो कितने में दोगे? मेरे वीडियो देख के आए तो 200, एक दिन को 200 दे देना, एक को 200 दे दूंगा ना। अच्छा अच्छा, ये 200 में। तो ये हर चीज़ का बार्गेनिंग होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लैम्प है, वो है छोटी छोटी चीज़ें हैं और बॉक्स है। तो ये है भैया इस मालिक इनके, यहाँ से कितने के भैया शू? पुलिस। तो गाइस ये है शूज़ का दुकान, और यहाँ पर 300 रुपये प्राइस बोल रहे हैं, लेकिन कम वगैरह करने का भी मूड नहीं, क्योंकि सब फटाफट फटाफट उठा रहे हैं पुलिस वाले इनको। देख लो काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ हैं यहाँ पर, ये भी है। तो मैंने ये पूछा था, ये 300 रुपये का, तो वो शायद 250 में मिल जाएगा, लेकिन ये तो देख रहा हूँ 700 रुपये का सिर्फ, 700 रुपये में ये बच्चों का जो ट्रॉली बोलते हैं ये 700 रुपये मिल रहा है। मुझे लेने का है लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। कितने में दे रहे हैं भैया? कितने में दे रहे हैं? नहीं एक एक चालू नहीं है। चलो ठीक है,
तो गाइस यहाँ पर आपको बुक्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि रोमांटिक SMS, आपको अगर चाहिए तो आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो। वो 400 रुपये का सर। कपड़े देख रहा हूँ, कपड़े जूते देख रहा हूँ। तो मार्केट से आपको कितने प्राइस में, मतलब कैसा लग रहा, मतलब मार्केट में सस्ता मिलता है यहाँ पे? तो आप देखिए ना, अभी घूमे ना, घूमे ना, अभी थोड़ा सा घूमे। तो मतलब तो आपको क्या लगता है, सस्ता मिल रहा? सस्ता मिल रहा और सामान अच्छे, सामान अच्छा यूज होते हैं। भैया कितने का बता सकते क्या, ये कितने का बता सकते? 300 रुपये का है, हर चीज़ मिल जाएगा आपको और ये इसकी प्राइस भी कम हो जाएंगी। 30 रुपये? सिर्फ 30 रुपये? इतना कम? हाँ, दुकान में 150 रुपये का मिलता है। हाँ हाँ, ये मैंने लिया है, करीब 100 या 150 रुपये मुझे लिए। हाँ, 25 रुपये में देते हैं। 25 रुपये का ये 100 वाला। सब लोग दुकान बंद कर, आप नहीं बंद कर रहे? हमारी दुकान बंद करने को टाइम नहीं लगता, ये बोरा तैयार रहता है। इधर देखो, ये बोरा एक कच्चे लेके भरे कितना? 50 बोले? 50 बोले ये सौ है। ये कितने का है? कितने का भैया? ओ भैया ये कितने का है? ये 430 का है, 480 का है लास्ट। 200 भैया, 200 भैया। साइकिल कितने का आएंगे? 750। 750 कम करके 500 तक कम होता ही नहीं ना, 500 400 लग जाता है, हो जाता मेरे को पता है। तो ये देख रहे हो आप छोटे बच्चों के, पता है 50 रुपये। ये देख पा रहे हो, ये छोटे बच्चों के साइकिल से 700 रुपये भैया बता रहे हैं, लेकिन बार्गेनिंग करके कम हो जाएगा। यहाँ पर हर चीज़ मिल रहे हैं, घर के मतलब बाहर के जो ये लगते हैं डोर वो भी मिल रहे हैं। तो भैया यहाँ पर सब कपड़ा भी मच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर महानगर पालिका वाले आ गए और पूरा सब उठा रहे हैं, पुलिस वाले भी आ गए साथ में। तो यहाँ पर पूरे पीछे देख पा रहा हूँ, पूरे इधर भाग रहे लोग, इधर से उधर, उधर से उधर। इधर आपको DVD प्लेयर बॉक्स, उसके मदरबोर्ड सब मिलेंगे। अच्छा भैया ये बॉक्स कितने का? ये 400 रुपये। बजा के दिखाओगे ना? नहीं, बजाने वाला काम नहीं है, बजाने वाला काम नहीं है। 400। यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलता है, ये देखो हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, इतने चीज़ें हैं कि आप पागल हो जाओगे। जैसे मैं हो रहा हूँ। 300 400 300 400 और बार्गेनिंग करके 100 रुपये। ये 50 रुपये का, ये देखो 3200 रुपये का सैमसंग का लैपटॉप, सिर्फ 3200 रुपये। और ये कम करके 2000 तक आ जाएगा। अब चालू करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चालू तो नहीं हो रहा। बच्चों का गाड़ी आई नहीं क्या अभी तक? तो भैया ने दिया मुझे 50 रुपये का गॉगल, और ये भैया यहाँ पे दिखते रहेंगे, घूमते रहते। मैं 2-3 बार देखा आपको, और देखो इतना अच्छा गॉगल इन्हें सिर्फ 50 रुपये का दिया। ये भैया ऐसा भी मत बोलिए यार। अरे नहीं नहीं, आप जो भी आएंगे आपसे बात तो करेंगे ना, आपसे लेंगे ना। थैंक यू भैया, ठीक है। ये मेरी फोटो ले, मेरी फोटो डाल, ये भी है। डर क्या कीजिए, डर क्या कीजिए।
नियम से हो नहीं रही। तो हम फिलहाल पहुंच गए घर और मैंने चोर बैसे क्या क्या लिया आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर है ये टी शर्ट जो मुझे 100 रुपये में पड़ी और मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि जो भी टी शर्ट मैं पहन के हूँ सेम उसकी क्वालिटी लग रही है। बाकी पहनने के बाद देखता हूँ और जो चीज़ मैंने लिया है उसका एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जो एक दो महीने के मतलब जो मैं यूज़ करूँगा एक दो महीने के बाद आएगा। जो जो चीज़ मैंने लिया है अब तक मैंने 4 चीज़ ली के इसके बाद मैं बाकी जगह भी जाने वाला जैसे मुंबई का चोर बाजार होगा, दिल्ली का चोर बाजार होगा, हैदराबाद का चोर बाजार होगा, यहाँ पर जाकर मैं कुछ चीज़ें लूँगा तो उसका टोटल सबका एक वीडियो बना दूँगा कि चोर बाजार में जो जो सामान लेते हैं वो सही में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा हमारे चैनल को। तो सबसे पहले बात करते हैं ये मैंने लिया 100 रुपये में, मुझे अब तक अच्छा लग रहा है, इससे मैंने पहना नहीं तो पहन के देखूँगा और उसके बाद एक रिव्यू बना दूँगा। ये हो गया 100 रुपये और उसके बाद होगा ये घड़ी फास्ट ट्रैक की, तो ये मुझे पड़ी 150 रुपये में। एक्चुअली मुझे लगता है महंगा पड़ा, 100 रुपये मुझे आ जाता 190 में मुझे मिल जाता था। एक्चुअली उन्होंने 300 बोला, मैं 150 में उन्होंने ले के आ चले आया, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे बार्गेनिंग करना चाहिए था। आपको भी बार्गेनिंग करना आना चाहिए, ऐसे उठा के मत लेके आया करो। तो ये हुआ 150 का फर्स्ट। और ये हो गया पावर बैंक, सैमसंग का पावर बैंक 10400mAh की बैटरी के साथ आता है और ये मुझे पड़ा 50 रुपये में। अच्छा लग रहा है, डील तो अच्छा है। बाकी मैंने इसको अभी यूज़ नहीं किया, मतलब लास्ट मैंने यूज़ किया था करीब 5% हुआ था, मतलब लास्ट का है, एक पॉइंट बचा था, मैंने चार्जिंग नहीं दिया। तो देखते चार्जिंग देने के बाद कितना क्या टिकता है और इसका भी रिव्यू बना दूंगा, मतलब सबका एक साथ रिव्यू बनूंगा। ये मुझे 50 रुपये में, मतलब अब तक मुझे खर्च हुए 150 से 300 रुपये। और लास्ट सबसे लास्ट ये वाला देख लो, यहाँ पर ये मुझे पड़ा है करीब 50 रुपये का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आते हुए भी पहना है अभी और क्योंकि इसका ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छा है, मैं डायरेक्ट देख पा रहा हूँ अपने आप को, लेकिन आपको लग रहा नहीं कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। कुछ ऐसे कि मैं जब चोर बाजार जा रहा था नागपुर के, तो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला कहाँ पे कैसे जाना है, कि कौन से डेट में रहेंगे और कौन से दिन में चालू रहेंगे। ऐसे शनिवार को चालू रहता है, मैं जैसे वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद मैं जो वीडियो वगैरह बना रहा था और एक मोबाइल के दुकान में गया मैं, जैसे नीचे बैठ के रहते, तो वहाँ पे जाकर वीडियो बना रहा था तो एकदम से भड़क गया और भड़कने में मैंने कैमरा बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो मैंने बोला कि भाई वीडियो बनाने दे, मैं यूट्यूब पर डालूंगा, तेरा भी फ़ायदा हो जाएगा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मतलब इसका इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो भाई ने और भड़क गया, भड़कने में बोलता है कि भाई तुम लोग जब से आए, मतलब ब्लॉगर लोग जब से आए हमारी लाइफ पूरी ख़राब हो गई, मतलब हमको ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। और दूसरी बात, सबसे मेन बात उसने बोली जो मुझे भी लगा कि लोग चोर बाजार इसको बोलते रहते हैं, और मैं भी जब यहाँ पर जा रहा था तो चोर बाजार ही मुझे पता था और लोग भी बोलते थे चोर बाजार नहीं चोरी का माल। तो ऐसा कहना था कि ये भाई चोर बाजार नहीं है, इसमें चोरी के माल मिलते होंगे। मैं भी कहता हूँ चोरी के माल मिलते हैं, मतलब 10% लोग ऐसे चोरी के माल बेचते होंगे, लेकिन बाकी जो माल है सब जेन्युइन है, लोगों की मेहनत है इसमें। जैसे जैसे रिफर्बिश्ड वाले मोबाइल बेचते होंगे, फिर जैसे पुराने स्टॉक है कि कोई छोड़ के चले गया, जैसे वॉशिंग मशीन होगा कोई छोड़ के चला जाता है उसको बेचते हैं। फिर दूसरी बात, जो प्रोडक्ट जो फैक्ट्री डिफेक्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ये वाला, ये फैक्ट्री से डिफेक्ट है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा निकल, इसका जो पेंट है वो नहीं है और थोड़ा सा ये साइड में से ना थोड़ा सा टेढ़ा है। तो अगर आप ये से जैसे डायरेक्ट दुकान से लोगे, अच्छी दुकान से, तो 100 रुपये आप नहीं लोगे तो ये डायरेक्ट इनके पास चले जाता है और ये 50 रुपये में 40 रुपये में जैसे उनके इच्छा वो बेच देते हैं। और मैंने भी लिया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है 50 रुपये में। तो इस तरीके कुछ सामान होते हैं, जैसे कोई कार हो गया, कार का अगर ये चल रहा नहीं, बंद हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो चल ही नहीं सकता, और उसमें जो सामान है तो कोई भी पार्ट है वो लगा ही नहीं सकते, और जो बाकी पार्ट है वो अच्छे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं बाकी पार्ट को निकाल देते हैं और वो ऐसे जगह पे बेचते हैं, जैसे अभी चोर बाजार है उसमें बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें, मतलब बाकी जो चीज़ें सब जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि चोरी के सामान होंगे 10% होंगे, लेकिन बाकी जो सामान है जेन्युइन सामान, ये लोग मेहनत करते हैं। और भाई का चिड़ना सही था, तो मेरा ऐसा कहना है कि भाई ऐसा नहीं, जरूर नहीं कि चोर बाजार ही है। और इसका नाम चोर बाजार इसलिए पड़ा है कि कुछ साल पहले यहाँ पर जैसे मार्केट बढ़ता था तो बहुत ज़्यादा शोर होती थी, तो लोगों का चोर बाजार से कहना चालू होगा, चोर बाजार से कब चोर बाजार में पलट गया कोई किसी को पता नहीं है, और ये चोर बाजार के नाम से अभी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे चोरी के सामान नहीं मिलते हैं। तो वीडियो पे खत्म करते हैं, वीडियो को सर आप कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए सफर में नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।